इलेक्शन का टाइम रहता है, बोलेगा कि हाँ बना देंगे और बना जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। हम आपको रोड और सतघारा बस्ती आने से पहले ही इसके बीच में इतना रोड खराब, ये 5 साल से जो बीच में नहीं बना रहा है और यहाँ। हेलो नमस्कार, फिर से नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं। आज हम आ चुके हैं रोड ब्लॉग में, जो अभी हम बाबूबड़ी प्रखंड के अंतर्गत, ये सतघारा गांव है, ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। तो चलिए हम आपको रोड के कुछ दिखाते हैं। यहाँ के ना MP है, ना यहाँ के जो मुखिया है और जो यहाँ के मुख्यमंत्री, सारा का सारा मर चुका है। क्योंकि यहाँ पे जब वोट रहता है ना, तो वोट के समय में ये लोग आते हैं और अपना वोट के समय में वोट लेके चला जाता है। उसके बाद जीतने के बाद एक बार भी देखने नहीं आता। ये आप मधुबनी और अंधाठाड़ी के मेन रोड है, जो सतघारा डेवार और ये पश्चिम गनोली के जोड़ते हैं, इस रोड के बीच में जो टूटा हुआ है। तो अब चलिए आपको हम रोड दिखाते हैं। चल रोड ले। तो देखिए कि हम अभी डेवार बस्ती से निकल चुके हैं और ये आपको डेवार बस्ती के ख़त्म होने के बाद और सतघारा बस्ती आने से पहले ही इसके बीच में इतना रोड खराब है कि आप लोग क्या बताएं। आप लोग को हम वही दृश्य पहले दिखाएंगे, फिर आप लोग बताइएगा ये क्या है। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा। रोड का हालत देखिए कितना खराब है और आज से नहीं काफी दिनों से है, काफी सालों से है। सब के सब देखते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए दिखाते, हम आपको रोड दिखा रहे हैं जो इतना खराब हालत में, लगभग ये 5 साल से जो बीच में नहीं बना रहा है और यहाँ का जो MP और यहाँ के जो MLA कोई देखने वाले नहीं है। बस इधर से सारा सरकारी जो गाड़ी है बहुत ज्यादा गुजरता है और गुजरने के बाद ये है कि मतलब कोई ध्यान नहीं देता है। जब इलेक्शन का टाइम रहता है बोलेगा कि हाँ बना देंगे और बना जीतने के बाद वो भूल जाते हैं। हम आपको रोड कंडीशन दिखाना चाहते हैं कि कितना खराब है और ये मेन रोड है मधुबनी और अंधाठाड़ी के जाने वाला। आप लोग देखिए यहाँ से जो भी व्यक्ति गुजरते हैं, जो भी कार गाड़ी मोटरसाइकिल बस ट्रक, सब के सब परेशान है इस रोड से और कोई भी इनको देखने वाले नहीं है। सब बस आते हैं और जी हजूरी करके और वादा करके सब चले जाते हैं। ये नहीं कि हाँ इनको कोई काम करवाए, ये आज से काफ़ी सालों से हैं और कोई भी ध्यान नहीं देते हैं और इनको बस ये है कि हाँ जो आदमी वहाँ जाते हैं आते हैं वो ऐसे ही हालत में जाते आते रहे, परेशान रहे या परेशान नहीं उसको मतलब नहीं है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।